याद है दोस्तों, उन दिनों जब हम लोग के पास ना तो अच्छे कपड़े रहते और ना ही अच्छे जूते और मोजे, तब पर भी हम लोग उस समय बहुत खुश रहा करते थे। हम लोग का बचपन उन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा गंजी और हाफ पैंट में बीता, और जब हम लोग का मोजे फट भी जाती थी तब पर भी हम लोग स्कूल पहने चले जाते, और जब ढीली हो जाती थी तब हम लोग उसमें रबड़ लगा लिया करते थे। और जब कभी उन दिनों घर में आए कोई मेहमान या पापा या मम्मी हम लोगों का हाथों में 5 रुपये का नोट कभी दे दिया करते थे, उस दिन मानो सबसे अमीर बच्चा बन गए और बहुत खुश रहते थे। बार बार उस नोट को पैकेट में रखते, कभी निकालते और उसमें लिखे सारे चीज़ों को पढ़ा करते थे, खास करके ये लाइन कि मैं धारक को 5 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। फिर कन्फ्यूज भी हो जाते थे दोस्तों कि यह धारक कौन है। और पता है दोस्तों, उन दिनों ये सब पंछियाँ गाँव में बहुत दिखा करती थी, जैसे मैना, कठफोड़वा, नीलकंठ, फाकता पक्षी और न जाने क्या क्या, लेकिन आज के समय में ये सारी पंछियाँ पता नहीं कहाँ खोसी गई है। खास करके ये गौरैया पक्षी, ये तो हमेशा हम लोगों को आंगन में आती रहती थी, लेकिन आज के समय में ये गौरैया पक्षी हमारे गाँव में एक भी नहीं दिखती है। उन दिनों सुबह शाम दोपहर रात या दिन हर समय पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती रहती थी, लेकिन आज पता नहीं सारी पक्षियाँ कहाँ खोसी गई है। और उस समय हम लोग का गांव में कोई न कोई ऐसी ढलान जगह जरूर हुआ करती थी जहाँ से हम लोग खूब सरका करते थे, खूब मस्ती किया करते, और जब घर वापस आते तो हम लोग की माँ हम लोग को रगड़ रगड़ कर नहाया करती थी। और जब हम लोग गर्मियों के दोपहर में घर के अंदर सोते हुए रहते और अचानक बर्फ़ वाले अपने पेटी को पटक पटक कर आवाज़ लगाता, और उस समय हम लोग के पास कुछ भी पैसे नहीं होते, तो घर से कोई कटोरा में चावल या धान को भरकर लेकर आते थे बर्फ़ खरीदने के लिए। और जो भी बर्फ़ खरीदा करते उसे हम लोग चाट चाट कर खाया करते थे धीरे धीरे, ताकि जल्दी ख़त्म ना हो। और याद है ये टिकटॉक दोस्तों, उन दिनों हम लोग का ये सबसे प्यारा खिलौना था, जिसे खरीद कर हम लोग खूब बजाते रहते, जहाँ भी जाते साथ में रखा करते थे और हमेशा टिक टिक करते ही रहते। ये टिकटॉक कभी कभी चूर्ण के साथ भी आती थी, और ये उस समय दो तरह का भी आती थी दोस्तों, एक छोटी और एक बड़ी। आज के समय में छोटे से छोटे बच्चे भी साइकिल चलाने लगे, लेकिन हम लोग के समय में साइकिल तो नसीब नहीं होती थी दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं से साइकिल के टायर जरूर मिल जाती थी, जिसे हम लोग एक छोटे से डंडा लेकर दिन भर चलाते रहते और पूरे गांव का चक्कर लगाया करते थे। अगर टायर नाले में गिर भी जाती तब हम लोग उसे निकालकर ऐसे ही चलाया करते थे। और जब हम लोग के घरों में उन दिनों कोई छोटा सा बाबू होता तो हम लोग उससे खूब खेला करते थे, और उसे रात में अपने साथ सुलाने के लिए कोशिश किया करते। जब वो रोने लग जाती तो हम लोग उसे लोरी सुनाया करते थे। और उन दिनों हम लोग मेले से कुछ इस तरह के खिलौने वाले चापाकल भी खरीद कर लाया करते थे, जिसमें एक छोटी सी बाल्टी लगी होती थी जिसे चलाने पर उसमें पानी भी गिरने लगता था। और आज के बच्चे को अगर टाइम पास करना हो तो वे लोग मोबाइल पर गेम खेलकर टाइम पास कर लिया करते हैं, लेकिन उन दिनों हम लोग कुछ ऐसे ही खिलौने से खेलकर टाइम पास किया करते थे दोस्तों। और याद है उन दिनों हम लोगों को पास कुछ ऐसे ही घड़ी हुआ करती थी जिसे हम लोग मात्र 20 रुपये में ही खरीद लिया करते थे, और हम लोग पहनकर बहुत खुश हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन इसकी बैटरी तुरंत ख़त्म हो जाती थी, तब हम लोग दुकान में जाकर इसकी बैटरी भी बदलवा लिया करते थे, और उस समय इसमें थोड़ा सा भी पानी चली जाती थी तो तुरंत ख़राब हो जाता था। और जब उन दिनों कभी गाँव में किसी पर्व या त्यौहार पर मेले लगती थी तो सबसे ज़्यादा खुश हम लोग बच्चे ही हुआ करते थे, और मेले से खास करके हम लोग बैलून ही खरीदा करते थे दोस्तों, क्योंकि वो बहुत सस्ती मिल जाती थी, और उससे खूब खेला करते। जब खेलते खेलते बैलून फट भी जाती थी फिर भी हम लोग उसे मुँह से फुला फुला कर सबके माथे पर फोड़ा करते थे। पता है दोस्तों, आज भी सबके घरों में चाय बनती है, लेकिन घर के बच्चों को चाय पीने से मना किया जाता है, ये बोलकर कि तुम बीमार पड़ जाओगे।
तुम्हारे पेट खराब हो जाएंगे। लेकिन उस समय हम लोग रोज़ सुबह सुबह चाय के साथ रोटी, बिस्किट और फरी खाकर पढ़ने के लिए जाया करते थे, लेकिन हम लोगों को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।